हाउज़बिल्बिन बसमीम माई डी स्टूडेंट चैप्टर नंबर फोर हमारा कंटिन्यू है डिसीजन मेकिंग और उसमें ये हमारा लास्ट फिफ्थ लेक्चर है और अब तक आप जो है इसके बारे में बहुत अहम चीज़ें पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग क्या है उसकी अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है प्लस उसका एकेडमिक प्रोफेशनल और इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ से उसकी कितनी अटैचमेंट है और कितना वो करीब है और डिसीजन लेने कितने बात मुश्किल होते हैं और ज़ाहिर है जब हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि आपके फैसलों पर इदारे की बका इदारे का इसकाम इदारे का सारी उसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो इसार कर रही होती है तो बहरहाल हमने इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ी आज आपके सामने मैं दो टॉपिक रख रहा हूँ एक है रैशनल डिसीजन मेकिंग छोटा सा सवाल आ जाता है कि माक़ूल फ़ैसला साजी क्या होती है तो हर वो चीज़ माकूल है जिसे हम अक़ल की कसौटी पे परखने के बाद सर अंजाम दें अगर कोई चीज़ अक़ल के मैार पर पूरी उतरती है तो इसका मतलब है कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रखा है और जब भी कोई अच्छा फ़ैसला बेहतर बैक बैकअप सपोर्ट के साथ बाकायदा होमवर्क के साथ आप लेकर आएंगे सामने तो उसे हम रैशनल डिसीजन का नाम देंगे कि यानी ये फैसला एक माकूल फैसला है जो अक़ल की कसौटी को मैार बना कर जो है तैयार किया गया है कसौटी क्या है एक यार्ड स्टिक है कि आप किस पैमाने पर उसे देखना चाहते हैं तो ज़ाहरा हर इंसान ये जाता है कि मैं फ़ैसला करूँ तो अक़ल के साथ करूँ जल्दबाजी में कोई फ़ैसला फैसला नहीं होता उसके नाफिज होने के उसके काबिल अमल होने के इम्कान कम हो जाते हैं तो इसमें रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है वो आपसे पूछ सकता है तो आप कहेंगे, रैशनल डिसीजन मेकिंग इज़ स्टाइल ऑफ मेकिंग डिसीजंस आफ्टर हैविंग डीप एनालिटिकल एंड केयरफुल स्टडी ऑफ सिचुएशन ये फैसला करने का वो अंदाज़ है जिसमें आप तमाम तरह हक़ाइक़ को बड़ी गहराई के साथ उनका तजिया करने के बाद उनकी हर हर चीज़ को डीपली स्टडी करने के बाद हर एंगल से उसको एनालाइज करने के बाद एक फैसला सादिर करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग ये माकूल फैसला साजी कहलाती है और जाहिर है रैशनलिज़म जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इससे अंदाज़ा होगा कि आप कितने ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल आप जो हैं मैनेजर हैं और आप चीज़ों की सेंसिटिविटी जानते हैं कि मेरे इस फैसले का इम्पेक्ट क्या होगा तो याद रखिएगा इस टॉपिक को हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग का नाम दिया है इस चीज़ को करने में आपको जो सपोर्टिव फैक्टर सामने आते हैं माह्रीन के मुताबिक उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कंट्रोल ऑन एंगर ग़ुस्से की हालत में आ, अपने आप को फैसले की तरफ लेकर जाना फ़ैसले को ग़लत कर देने के मुतरद होता है तो ट्राई योर लेवल बेस्ट के जब आप फैसला साजी कर रहे हों और माकूल फ़ैसला साजी के ज़ोन में दाखिल हो रहे हों तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन हो आपके जहन पर कोई दबाव ना हो और प्लस आप रिलैक्स मोड में हों ये ना हो कि आप गुस्से की हालत में फ़ैसला करें अमूमन गुस्से की हालत में जो फैसले होते हैं वो कमज़ोर साबित होते हैं वो काबिल अमल नहीं होते ठीक है हमारी मज़हबी तालीमात भी हमें यही कहती हैं कि कोई भी बहुत बड़ा फैसला करने से पहले आप अपने आप को नॉर्मल करें ग़ुस्से में फ़ैसला करना मुनासिब नहीं होता वो कमज़ोर साबित होता है फिर गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होता है और न दामत ख़त्म होता है तो हमें इससे अपने आप को बचाना है सेकेंड थिंग चूज़ राइट टाइम रिलैक्स करें अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और फैसला करते वक्त पूरा प्रॉपर टाइम लें थर्ड हमारे पास फैक्टर है कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स जो फैक्ट्स आपको इस काम में ज़रूरत हैं उन फैक्ट्स को तलाश कीजिए उन्हें गैदर कीजिए और उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड लेना है प्लस एनालाइज ऑल द फैक्ट जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपने तजिए की रोशनी में आगे बढ़ना है तजिया करने का मतलब होता है डीप स्टडी हर चीज़ को केयरफुल लेकर चलें और बारीक बारीक नुक़ात भी आपके कारोबार पर आपके फैसलों पर असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सकते ये है आपका डिसीजन मेकिंग बट कौन सा रैशनल अक्लमंदी के साथ फैसले करना आईडी दूसरी दु, दु, जानब चलते हैं जनाब आज हमारे पास सेकेंड एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रेंस बिटवीन अमेरिकन एंड जैपनीज डिसीजन मेकिंग ये आ, वो कंट्रीज है मेरी स्टूडेंट जिनके नाम हर स्टूडेंट की ज़बान पर है हर स्टूडेंट जानता है लेकिन जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है वो क्या है बोथ द डेवलप कंट्रीज़ ये दोनों तरक्की याफ़्त ममालिक हैं तो जाहिर है इनकी इकानमी इनकी आ, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एकेडमिक स्ट्रेंथ और ये तमाम चीज़ें इनको फेवर करती हैं लिहाजा कहा जाता है इसकी फ़ैसला साजी के दरमिया मुवजना किया गया और ये मुजन करने वाले थे मैनेजरियल एक्सपर्ट मिस्टर विलियम उछी वीर मुशी का ताल्लुक़ बेसिकली जापान से था ही वॉज़ बॉर्न इन जापान एंड अप इन अमेरिका सो ही इज़ जैपनीज़ अमेरिकन इसका ज़्यादा वक्त अमेरिका में गुजरा बहुत सारे इदारों के कंसल्टेंट रहे हैं बहुत सारे इदारों को अपनी खिदमांत सर्व करते रहे बहुत शाहकार किस्म की शख्सियत हैं और इनके नाम से एक थ्यूरी इनके क्रेडिट पर है जिसका नाम है थ्यूरी जी और थ्योरी जी में ये ह्यूमन रिलेशंस पर काम करते नज़र आते हैं और प्लस इनका ये तजिया बहुत ज़्यादा मकबूल है कि अमेरिकन फैसला करते वक्त किस तरह से आगे बढ़ते हैं और जैपनीज़ कैसे करते हैं हैरत अंगेज़ तौर तो पर कहा जाता है विलियम ऊँची ने जब अपने जैपनीज़ को स्टडी किया तो वो ये कहता हुआ नज़र आता है महसूस करता है कि जैपनीज़ को शायद फ़ैसला कर ही नहीं सकती चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ले रहे होते हैं और अमेरिकनस बड़े शानदार तरीके से फैसला करते हैं लेकिन उसको अपनी राय तब्दील करनी पड़ी वो सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि यू एस एनि यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाज़ात जब कोई फैसले कर रहे होते हैं तो वो सोच विचार करते हैं हमने इसको एलिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में पेश किया है यानी सोचते हैं फिर सोच विचार करते हैं उसके बाद वो अमल अंगेजी की तरफ बढ़ते हैं बस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाता है थिंक थिंक डन विद नॉर्मल पेस बिल्कुल नॉर्मल रफ़्तार के साथ वो अपने पेस को आगे बढ़ाते हुए अमल पैरा होते हैं और दूसरी जानब जो है अहम चीज देखें जापान के बारे में बताऊं आपको वो कहता है जापानी सोच विचार में इतना टाइम लगा देते हैं इतना सोचते हैं इतना सोचते हैं तो मुझे लगा कि ये शायद कौन फैसला साजी में कमजोर है तो यहां हमने इसको इस तरह दिखाया थिंक 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 देन डन विद रैपिड पेस तो माइडेंट यहां पर कंपेरिजन करते हुए विलियम ऊँची इस बात पर मुतफ़ है और फ़ाइनल अपना वो व्यू देता है कि यस जैपनीज़ का अंदाज़ फ़हम जो है सोचने का अंदाज़ है वो बेहतर है इसलिए कि वो सोचने में वक्त ज़रूर लगा रहे हैं लेकिन फ़ाइनल स्टेज पर आकर वो बड़ी तेज़ी से अमल पैरा होते हैं उसकी वजह यह है कि वो टॉप टू बॉटम तमाम मैनेजेरियल लेवल्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं तमाम जहनों को यकजह करते हैं यकसुई पैदा करते हैं कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं हर लेवल पर एग्जेक्यूटिव लेवल पर यानी टॉप मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट एग्जेक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट मैनेजेरियल लेवल लोअर लेवल, 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 लेवल यानी वो चाहते हैं कि हर सतह पर एक रब्त कायम कर लिया जाए सोच और अमल यकजा हो जाएगा और तेज़ी के साथ हमें अमल पैरा होना पड़ेगा फिर हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी जबकि इसके बरक्स यू एस ए वाले ज़रा जल्दी सोच कर फ़ैसला कर देते हैं लेकिन अमल पैरा होते हैं नॉर्मल अंदाज़ में लिहाजा इन दोनों के कंपेरिज़न में ये बात सामने आती है कि आप फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करें बार बार सोचें लेकिन एक बार सोच लें तो फिर उस पर अमल पैरा हो जाए ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कायद आज मोहम्मद अली जना के बारे में कहा जाता है कि आपका भी विजन यही था कि कोई भी फैसला करने से पहले सौ सो दफ़ा सोच लो लेकिन जब सौ सो दफ़ा सोच लो तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है उस पर तेज़ी से कारबंद रहो तो हिम्मत और जरूरत तुम्हारा साथ देती है अपना बहुत ख्याल रखिएगा उम्मीद है ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा बहुत वाइटल चैप्टर है बड़ा थॉरली स्टडी कीजिएगा और कोशिश करें जो मटेरियल आपको मिलता है उसको पढ़ आप असाइनमेंट पर काम करें बगैर पढ़े नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि स्टडी करने के बाद ही आप अपने कलम को उठाएं या अपने टाइपिंग वर्क को शुरू करें बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वर्का